जापान में शुरू हुई चलती फिरती मोबाइल मस्जिद, जानिए कैसी हैं ये। जापान में अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों के मद्देनजर टोक्यो में मोबाइल मस्जिद शुरू की गई है। ये कहीं भी आ जा सकती हैं। आम और खेलों के समय बाहर से आने वाले मुस्लिमों के मद्देनजर इन्हें बनाया गया है ताकि मुस्लिम दर्शकों को नमाज अता करने में दिक्कत नहीं हो। ये मोबाइल मस्जिद आमतौर पर स्टेडियमों के बाहर खड़ी जाएंगी। ये बड़े ट्रकों को कन्वर्ट करके बनाई गई है। इनमें नमाज से संबंधित सारी सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। इसमें पानी से हाथ धोने की सुविधा के साथ नमाज के लिए मैट्स भी हैं। जब ये कहीं खड़ी होती हैं तो उनके पीछे का हिस्सा उठ जाता है। उसके बाद इसमें एक सीढ़ी निकल आती है और पीछे का गेट नजर आने लगता है। इसके अंदर ही प्रार्थना कक्ष है जहाँ नमाज अता की जा सकती है। जब ये मोबाइल मस्जिद कहीं खड़ी होती है तो अपने आप इनकी बॉडी एक सपेंड हो जाती है। तब ये अंदर 551 स्क्वायर फीट के हाल का आकार ले लेती हैं, जिसमें 50 लोग बड़े आराम से नमाज अता कर सकते हैं। ऐसी कई मोबाइल मस्जिद टोक्यो में ओलंपिक के समय जगह जगह रहेंगी ताकि मुस्लिमों की सुविधा का ध्यान रखा जा सके। अंदर ये वो हाल है जो फैलकर 50 लोगों की नमाज की जगह बना देता है। टोक्यो की एक कंपनी टोक्यो स्पोर्ट्स एंड कल्चर इवेंट कंपनी ने इसे बनाया है। टोक्यो में महज 4 मस्जिदें हैं, लिहाजा यहाँ बाहर से आने वाले मुस्लिमों को हमेशा ही नमाज पढ़ने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जापान में पहली मस्जिद काबे में 1935 में बनवाई गई थी। अब देश में 60 के आसपास मस्जिदें हैं, जिसमें 1 से 2 लाख मुस्लिम नमाज अता करते हैं। लेकिन अब मोबाइल मस्जिद का आइडिया सभी को पसंद आ रहा है।